हाँ जी सर, एग्जाम्पल 22 ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। एक्चुअली होता क्या है, आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाए, या कम से कम कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा हो जाए, तब भी कर सकते हो। तो या तो टेन को चेंज करो कॉट में, या सर कॉट को चेंज करो टेन में। और अच्छा है अगर इस माइनस को भी चेंज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आंसर तो 2 सेकंड में आ जाएगा। बस आप ये सोच लो कि माइनस कॉट थीटा को मुझे टेन में चेंज करना है। कोई बता सकता है माइनस कॉट थीटा को टेन में किस तरह से लिखूं? देखो, अगर रेशो चेंज करना होगा तो आपको 90 या 270 यूज करना पड़ेगा, ध्यान रहे। अब 90 अगर यूज करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, तो 90 प्लस करो, और अगर फोर्थ में ले जाना क्योंकि कॉट नेगेटिव है तो 270 प्लस करना है। तो चॉइस आपकी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया? 270 प्लस थीटा। जी, 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या मैं 90 प्लस थीटा यूज कर लूं? यस हाँ भाई, यस सब बच्चे सर, बताओ, यस सर, क्या मैं माइनस कॉट यस सर, थीटा को टेन 90 प्लस थीटा लिख लूं? बस इतना ही करना था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टेन 90 प्लस थीटा। थीटा ये पूरा है, ध्यान रखना, एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू टेन 2x। सब बच्चे बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? माइनस यस कॉट थीटा, थीटा ये पूरा ब्रैकेट है बेटे मेरा, पूरा ब्रैकेट, एक्स प्लस 5/3, तो 90 प्लस थीटा ये वाला आएगा। अब अगर मैं इसे लेफ्ट साइड राइट साइड में सिंप्लीफाई करूं तो पाई बाई टू और पाई बाई थ्री अलग चीज है और एक्स अलग चीज है, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर, यस। अगर ये आ रही है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। एक्स को इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई? एक्स तो राइट साइड क्या बचा? बताइए, सब बच्चों को समझ में आया क्या कुछ? यस सर, आ गया। तो सर सर ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर नाउ एनसीईआरटी से। आप में से किसी को भी कुछ